न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़वानी थाना कोतवाल के अंतर्गत दुकानों में रात्रि ताला तोड़ने की घटना हो गई, जिसमें एक कपड़ा दुकान से नकदी और कपड़े चोरी हुए हैं। शहर में अनंत चतुर्दशी से चोरी की वारदातें होना बताई जा रही है। रात्रि में शहर की सुख विलास कॉलोनी जेल रोड स्थित दो दुकानों के चोरों ने ताले तोड़ दिए। एक दुकान से कपड़े और करीब 1,00,000 रुपए की चोरी की घटना को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़वानी शहर की सुखविलास कॉलोनी जेल रोड स्थित कपड़े की दुकान पर अज्ञात चोरों द्वारा धावा बोल दिया। चोरी की घटना में चोरों ने शटर के दोनों ताले तोड़ दुकान के गल्ले में रखी करीब 1,00,000 रुपए और टी शर्ट, लोअर और अन्य कपड़े लेकर फरार होना बताया गया। कपड़ा दुकान के ऑनर गुरमीत सिंह ने बताया है कि चोरों ने दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए, जिन्हें आसपास ही कहीं फेंक दिए गए थे। दुकान के पास की दुकान के शटर के ताले तोड़े गए, वहीं पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। दुकान संचालक द्वारा बताया गया कि उनकी दुकान दिल्ली होसरी के नाम से संचालित है और शटर के ताले टूटे हुए होने से पड़ोसी ने जानकारी दी। वहां पहुंचकर उन्होंने दुकान में देखा कि दुकान के शटर के ताले टूटे हुए हैं और दुकान के भीतर जो कैश रखने का स्थान है उसका भी ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वही दुकान में रखे कपड़े भी चोरी होना बताया जा रहा है और दुकान से नकदी चोरी होने की बात पूछने पर उन्होंने बताया कि दुकान में लगभग 1,00,000 की चोरी हुई है और अन्य सामग्री का आकलन किया जा रहा है। उनके द्वारा डायल रेट को भी सूचना दी गई और उनके द्वारा आवश्यक जांच करते हुए पुलिस थाने पर सूचना दी जाएगी। वही अज्ञात चोरों द्वारा सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया गया और उल्लेखनीय है कि एक और पुलिस विभाग द्वारा निरंतर गुंडे बदमाशों और चोरों पर कार्रवाई करते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वही दूसरी ओर इस प्रकार चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरों के हौसले को बयां कर रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्तियों से जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चोरी की घटना होने से परिवार को आर्थिक हानि हुई है, आगे पुलिस विभाग द्वारा अपने अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी कोतवाली थाना क्षेत्र में पूर्व में भी दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश अज्ञात द्वारा की गई थी, जिसके बारे में थाना कोतवाली प्रभारी शंकर सिंह रघुवंशी ने बताया था कि उनके द्वारा गश्त निरंतर की जा रही है, लेकिन इस प्रकार कपड़ा दुकान से चोरी की घटना को अज्ञात चोरों द्वारा अंजाम दिया गया, उसके कारण आसपास की दुकानों में भय व्याप्त हो गई है। उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए शीघ्र चोरी करने वालों को पकड़ने की मांग की गई है। ये आपकी शॉप कहाँ पे और क्या नाम से है? अपने ये रंजीत क्लब के पीछे सुखविलास कॉलोनी में, दिल्ली होजरी के नाम से। क्या घटना हुई रात को आपके? रात को शटर, सुबह मेरे को तो पता चला, मेरे पड़ोस में जो मित्र है तो उन्होंने फोन किया, बोले आपकी दुकान के भैया दोनों ताले टूटे हुए हैं। ऐसे में तुरंत यहाँ आया और देखा तो पूरा कैश वगैरह गल्ले वगैरह के ताले टूटे हुए हैं। इधर लोअर टी शर्ट के भी डब्बे खाली हैं, अंडर गारमेंट्स भी थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा आकलन करते हैं अपन की क्या है क्या नहीं, कितना कैश कितने का गया होगा लगभग? कैश 1,00,000 रुपए के आसपास होगा। ये और क्या कैमरे, सीसीटीवी कैमरे में कुछ? सीसीटीवी कैमरे तो उखाड़ के उन्होंने साइड में फेंक दिए। सूचना करिए थाने पे। हाँ बस अभी जा ही रहे हैं, सुबह आई थी 100 पे डायल हुआ था, आए थे वो लोग, सब पूरा चेक कर गए हैं। अब थाने जाके FIR रजिस्टर्ड करवानी है।